राजेश कुमार। आप कौन है? मृतक विकास मृताओ का लड़का है। क्या क्या लड़का, क्या हादसा हुआ था, ये क्या मैटर? सर ऐसे था, वो शादी थी एक जाटो में उसकी लड़की की, तो इनने ना वो उसका नाम ये लगा रहे थे कि 100 नंबर पे इन्हें फ़ोन करा, वो जिप्सी आई थी 100 नंबर की, तो इनका नाम आया था, तो ये लड़ाई करने के लिए मारने के लिए लड़के आए, तो रात को मिला नहीं था, तो सुबह ये आए 6 बजे, तो ये नरेला के काम पे चले गया था ना, फिर वहाँ से आज छुट्टी होगी नरेला की, तो ये घर पर वापस आ गया था, तो वापस आया, तो जैसे ही अब ये लड़के आए 5 जी, तो इनने एकदम आए घर के ऊपर, कल तो छत पर चढ़ गए थे ये छत पर, तो जीने मतलब मेन गेट की हमने लगा दी कुंदी, तो इनने अंदर मतलब ऊपर छत से चढ़ गए, तो ये कह रहे हैं नहीं तो गेट खोलो, नहीं तो हम ऊपर की पट्टियाँ निकालते हैं छत जी। तो 4-5 लड़के आए, तो बीवी को धक्का मार के और स्वापी लेके और गला दबा दिया इनका, तो ये और ये कही है अलीगढ़, तो यहाँ नहीं, एक अतरौली में एक सूचना आई थी, वो मनरेगा में मजदूरी करता था, मनरेगा मजदूरी करके आए, तो उसे घर पर कोई बात हुई होगी, उसमें इसकी डेथ हो गई है, तो फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर विजिट कर लिया है, उसका बकायदे फोटोग्राफी वगैरह हम लोगों ने करा लिया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही से कन्फर्म होगा कि उसकी हत्या कैसे हुई है, उसके क्या क्या चोटें आई हैं, उसके बाद से इसमें आगे विस्तृत इसमें कार्रवाई की जाएगी, अभी परिवारजन ने कोई इसमें तहरीर दिया नहीं है, हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और पूरी सभी का जो उसमें साथ वहाँ मौके पर है उसको एकत्रित कर लिया गया, हम लोगों ने पूरे प्रकरण की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, जांच में जो तथ्य सामने इसमें आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या बजा रही थी और कहां